हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। और इस डोरमेट में देखिए, मैंने दो कलर से कली डाली हुई है और यहाँ पे मैंने हार्ट शेप ये डिजाइन डाली हुई है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये बूल को डबल किया हुआ है और आप चाहें तो साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं। इसको मैंने 32 फंदे से बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस तरह से फंदे डाल के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं 32 फंदे ले लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 32 फंदे ले लिए हैं और देखिए फर्स्ट रो से ही इसमें डिजाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं दो फंदे बिना बुने उतार ले रही हूँ, उसके बाद मैं आगे के फंदे बुनूंगी ऐसे। लास्ट के दो फंदे तक हम इसे ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए, लास्ट के दो फंदे तक मैंने इसको बना लिया। ये देखिए, दो फंदे मैंने इधर छोड़ दिए और इधर मैंने बिना बुने उतार लिए थे। जैसे इसको पलट लेंगे और उल्टी रो पूरा इधर से सीधी रो पे उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए लास्ट के दो फंदे तक हम इसे बना लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए, लास्ट के दो फंदे तक हमने इसे इधर से भी बना लिया। अब देखिए, यहाँ से बूल ऐसे करेंगे, सिलाई को पलट लेंगे। अब फिर से उल्टे तरफ से हम इसमें से दो फंदे ऐसे बिना बुने उतार लेंगे। और देखिए, यहाँ से हम बनाएंगे इस तरह से। अब इधर से ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। लास्ट के दो फंदे तक बना लेते हैं इसको। ये देखिए, इस रो में लास्ट के दो फंदे पहले छोड़े थे, दो फंदे और छोड़ दिए और मैंने बुन को इधर किया, सिलाई को पलट लिया। अब पूरी रो इधर से उल्टा बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया लास्ट के चार फंदे तक। अब देखिए, यहीं से हम फिर से पलट लेंगे। अब फिर से हम इधर से दो फंदे उतार लेंगे और दो फंदे इधर छोड़ देंगे। इसी तरह से हम दो फंदे इधर उतारेंगे, इधर दो फंदे छोड़ेंगे, लास्ट के चार फंदे रह जाएंगे सेंटर में, जब तक मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे का मैं बताऊंगी आपको। ये देखिए, दोनों तरफ छोड़ते हुए मैंने चार फंदों तक इसको बना लिया है। अब देखिए, हम यहाँ से पलट लेंगे और दो फंदे हम इस तरह से इधर कर लेंगे, दो इधर कर देंगे। तो हाफ हाफ फंदे दोनों तरफ आ गए मेरे पास। अब हम यहीं से इसको ऐसे पलट लेंगे और यहाँ तक ऐसे बुन लेंगे इनको। आप देखिए, इस साइड में 16 फंदों में कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस साइड के ही फंदे बुनूंगी मैं अभी ये वाली डिजाइन डालने के लिए। तो पहले मैं यहाँ से लेके लास्ट तक बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे। पूरी रो ऐसे ही बनानी है। ये देखिए, आप देखिए, मैं ये वाली डिजाइन डालूंगी। तो देखिए, यहाँ तक मैं फंदे दूसरा कलर ऐड करूंगी उल्टे तरफ से। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, दो चार छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। ये देखिए, आधे फंदे मैंने बुन लिए और यहीं से अब पलट लेंगे। अब देखिए, इन्हीं फंदों में पहले मैं ये हार्ट शेप डिजाइन डाल के कंप्लीट करूँगी। इस साइड अभी कुछ नहीं किया। तो ये रो बना ले, इधर से ये रो बना ली मैंने। अब देखिए, यहाँ से हम ये देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ाना स्टार्ट करूंगी। तो ऐसे यहाँ से घुमाया, यहाँ से एक फंदा बढ़ा लिया।
और देखिए पूरी रो ऐसे ही बना लूंगी। ये देखिए यहाँ पे दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम पलट लेंगे। इधर की रो ऐसे ही बनाते हुए जाना है। ये देखिए इस फंदे को देखिए मैंने बना लिया ऐसे। आप देखिए यहां से हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए और लास्ट में दो फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए दो छोड़ दिए, यहीं से फिर से पलट लिया। आप देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे चार फंदे और छोड़ेंगे, दो फंदे इस साइड और बढ़ाएंगे। तो हम बना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने चार फंदे बढ़ा लिए, दो दो करके आठ फंदे छोड़ दिए। देखिए दो चार छः आठ यहाँ तक छूटे हुए हैं। आप देखिए हम यहाँ पे फंदा घटाएंगे, तो देखिए दो का एक किया, उसके बाद देखिए ये दो फंदे फिर से छोड़ दिए, यहीं से पलट लिया। ये देखिए इस तरह से अब यहां से फिर से हम दो का एक कर देंगे। चार फंदे बढ़ाए हैं, उसी तरह से हम चार फंदे यहाँ पे एक एक करके घटा देंगे। इधर हम दो फंदे छोड़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे फिर से दो का एक किया और देखिए दो फंदे फिर छोड़ दिए और यहाँ पे देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे दो का एक फिर से कर दूंगी और देखिए एक फंदा ये मेरे पास रह गया। तो लास्ट तक ये दो फंदे तक ये मैंने छोड़ दिए हैं और देखिए एक साइड का ये पार्ट्स ऐसे बन के कम्प्लीट हो गया। अब देखिए अगला ये पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ से इनको उल्टा बना लेंगे, सभी फंदों को लास्ट तक ऐसे। इस तरह से लास्ट तक बना लिया और यहीं से हमने इसे पलट लिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसे उल्टा बना लेंगे पूरा। ये देखिए आप देखिए ये देखिए इस तरह से बनके एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट को बनाने के लिए मैं इसी चीज को फिर से रिपीट करूंगी। तो मैं यहाँ पे देखिए एक फंदा ऐसे बढ़ाऊंगी और दो फंदे यहाँ पे छोड़ूंगी। आप देखिए लास्ट में हम दो फंदे छोड़ देंगे। ये दो छोड़ दिए, यहीं से फिर से हमने पलट लिया ऐसे। इधर से पूरी रो उल्टा बना लेंगे।
ये देखिए ये बढ़ा हुआ फंदा बना लिया मैंने। अब देखिए यहाँ से हम फिर से ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे और दो फंदे हम इधर छोड़ देंगे। अब देखिए इसी तरीके से हमने जैसे यहाँ पे चार फंदे बढ़ाए हैं और आठ फंदे छोड़े हैं, इस तरह से हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने आठ फंदे छोड़ दिए, चार बढ़ा लिए। अब देखिए हम फिर से घटाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे दो का एक कर देंगे और इस साइड में अभी दो फंदे छोड़ते जाएंगे। ये देखिए दो छोड़ दिए, यहीं से पलट लिया। ये देखिए ये यहाँ से बना लिया, फिर से पलट लिया, यहाँ से हम फिर से दो का एक कर देंगे। ये देखिए दो फिर से छोड़ दिए, यहीं से फिर से पलट लिया। चार बढ़ाए हैं तो हम उनको चारों फंदे एक एक करके कम कर देंगे, दो कम हो चुके हैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे एक फिर से घटा दिया और देखिए लास्ट में हमारे पास तीन फंदे बच जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं तीन का एक कर दूँगी और देखिए तीन का एक करने से पहले हम यहाँ से कलर ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने ये दो कलर में बनाई है, आप चाहें तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम पहले दो का एक करेंगे ऐसे, ये देखिए यहाँ से हमने कलर ऐड कर दिया इस तरह से पूरी रो। अब हम इसी कलर से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे गैपिंग होगी तो इस तरह से आपको एक फंदा उठाना है, इस फंदे के साथ दो का एक कर देना है ताकि गैपिंग यहाँ आपकी भर जाएगी। और ये रो हम ऐसे ही लास्ट तक बनाएंगे। ये देखिए पूरी रो बना ली मैंने। अब यहाँ से हम पूरी रो उल्टी बनाएंगे, उसके बाद हम फिर से दो दो फंदे इस साइड से उतारेंगे, इस साइड से छोड़ेंगे। लास्ट चार फंदे तक बनाने के बाद हम फिर ये हार्ट शेप की डिजाइन डालेंगे आधे फंदों में। तो इस तरह से मैंने इसको बना के पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।